क्या एनी ऑफ इन स्टेशनरी पोजिशन हैज द टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो उसमें टेंडेंसी होता है, ये प्रॉपर्टी उसमें होता है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी है, एनसीईआरटी में है जो आपको थ्योरेटिकली लिखना होता है, ये सब जितना भी है आज हम केवल समझा रहे हैं, नेक्स्ट डे लिख पाएंगे, है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी बात करेंगे, तो तीनों का बस एग्जाम्पल्स, तरह तरह के एग्जाम्पल्स आज हम समझा रहे हैं, ठीक है। होगा तो इसका नोट्स भी दे सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज में होगा कि कोई एक कारपेट है, कारपेट में मान लो कि बहुत सारा डस्ट वगैरह है चिपका हुआ है, या फिर कारपेट बोल सकते हो जो बिछाया जाता है चटाई के तौर पर, या फिर ये भी कि जो पायदान के पास पैर वगैरह पहुंच के हम लोग घर में घुसते हैं, तो वो सब भी बोल सकते हो। तो उसको जो डस्ट काफी ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको इस तरह से होल्ड करके स्टिक से बीट करते हैं। तो बीट करने से, पीटने से डस्ट क्यों वहां से बाहर निकल आता है, डिटैच क्यों हो जाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है, क्यों हो जाता है बता सकते हो कोई? Because we apply force on the carpet, but the dust tends to remain at rest. So when we hit the carpet, the both are separated. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. When we apply force, that is if carpet is beaten with the stick, the carpet undergoes in motion, but the dust particles due to inertia of rest tends to be in rest, due to which the dust particles get detached from the carpets and fall under the force of gravity. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब अलग हो गया, नीचे गिर गया। क्या समझ गया सबको इसका आंसर? Yes sir. ठीक है, एक क्वेश्चन का चलो आंसर आया। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लो कि आम का पेड़, अमरूद का पेड़ वगैरह, खासतौर पर आम का, जनरली क्या करते हैं कि भाई आम का पेड़ आप मान लो कि चढ़े, कुछ समय पहले ही आम का सीजन वगैरह रहा है, और आप चाहते हो कि भाई पका हुआ आम सब हम तोड़े, तो क्या करते हो आप, जनरली मूव करते हो, वीगरसली जब मूव करते हैं ब्रांचेज को, तो उसमें जो भी फ्रूट्स वगैरह है वो गिर जाता है पका हुआ, ठीक है। ऐसा भी है कि भाई पत्ते भी गिरते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, ठीक है, जितना जो मान लो कि सूख गया है या फिर ऐसा कि थोड़ा कमजोर है वो सब झड़ने लगते हैं, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन है, यदि पढ़ना चाहोगे मिल गया हो तो पढ़ सकते हो। व्हेन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री आर मूव्ड विगरसली द लीव्स starts falling from the branches or from the tree. Why? Answer. When we apply force on the tree, the leaves and the flowers tends to due to inertia tends to remain at rest, and therefore to maintain its inertia, they fall down and get separated from the tree. बिल्कुल सही। कि हम लोग क्या करते हैं, हम होल्ड किए होते हैं ब्रांच को, ब्रांच पर जब फोर्स लगाते हैं तो ब्रांचेज क्या होता है, मौसम में आ जाता है, उसके साथ साथ उसमें जो भी अटैच्ड है, मान लो कि छोटे छोटे ट्विग्स, डंठल वगैरह, वो भी मौसम में आ गया, पत्ता फ्रूट्स वगैरह है वो भी मौसम में आ गया, लेकिन उसमें टेंडेंसी हर किसी में, उससे जो भी अटैच्ड है, मान लो कि फ्लावर्स है, मान लो कि लीव्स है, फ्रूट्स है, अटैच जो भी है वो मोशन में तो आया, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहने का टेंडेंसी होगा, तो वहीं रहना चाहेगा, और फिर उस पर एक फोर्स लग रहा है एक तरह से आगे की ओर मूव कराने के, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए वहीं रहना चाहेगा, इसलिए क्या होता है वह वहां से झड़ जाता है, जो कमजोर होता है, जिसके साथ उतना कनेक्शन अच्छा नहीं होता,
सारा पत्ता तो नहीं झड़ता है, तो कुछ कुछ पत्ते क्या होते हैं, झड़ने लगे। तो यहाँ पे भी क्यों झड़ रहा है, ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट। क्या समझ गए सर? यस सर। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स हम देंगे, कुछ एग्जांपल्स हम चाहेंगे कि आप लोग की ओर से आए इनर्सिया ऑफ रेस्ट का। अभी मोशन के बारे में नहीं, मौसम के बारे में जब आएंगे तो डिटेल में उसके बारे में करेंगे, अभी सिर्फ इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हम जानना चाहेंगे। सर जब बोलो सर, जब बैंडेड लगा रहता है तब तो उसको हम लोग फास्टली रिमूव करते हैं। फिर से बोलो गुरु। सर व्हेन पुलिंग अ बैंडेड ऑफ इट इज बेटर टू पुल इट फास्ट। बैंडेड? यस सर। बैंडेड फॉर्म सम समझे नहीं आपका एग्जांपल। सर बैंडेड लगा रहता है, चोट लगता है तब उसको हम लोग तुरंत निकालते हैं। बैंडेज। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बैंडेज वगैरह, तो क्विकली उसको निकालते हैं। सर सडन स्टार्टिंग ऑफ अ बस। हाँ बिल्कुल, वो भी एक एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करो क्या है उसमें। सर बस बोलो बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये क्वेश्चन एग्जाम बुक में है भी, पढ़ो बताओ। बोलो, आवाज नहीं आ रही। चलो देखो हम बताते हैं। सर मॉनसून में जैसे, सर मॉनसून में ये सब जो गिर जाता है वो वाला भी सर एग्जांपल हो सकता है। मॉनसून में मतलब हवा वगैरह का झोंका के कारण जो पेड़ वगैरह गिर जाता है। यस सर। यहाँ पे एक तरह से तो मोशन का ही इफेक्ट है कि भाई मोशन के कारण ही। ठीक है, ये एग्जांपल नहीं है हमारी तरफ से, नहीं होना चाहिए, इनर्सिया और रेस्ट का एग्जांपल नहीं। एक चलो एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोग में से ही पता है, हम क्वेश्चन के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जांपल, आप आंसर बताना। ठीक है, व्हेन सपोज यू आर सिटिंग इन अ स्टेशनरी बस और स्टेशनरी बाइक, मतलब गाड़ी रुका हुआ है, मान लो कि बाइक में आप सवार पीछे बैठे हो, ड्राइवर स्टार्ट किया गाड़ी और अचानक क्या किया, बाइक को एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेट जैसे ही कर देता है तो आप यदि पीछे बैठे हो, अचानक काफी ज्यादा स्पीड के साथ वो आगे की ओर बढ़ा, आप पीछे बैठे हो, आपके साथ क्या होता है, कैसा फील करते हो या कैसा सिचुएशन होता है? सर हम लोग पीछे, वी फॉल बैकवर्ड्स। हां वी फॉल बैकवर्ड। तो चलो आंसर बताओ व्हाई। सर बिकॉज़ आवर बॉडी, सर हमारा फीट सर मोशन में रहता है लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है वो रेस्ट में ही रहता है, इसलिए सर हमें जर्क लगता है। बिल्कुल 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 सही। ठीक है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। देखोगे जैसे ही ड्राइवर मान लो कि एक्सेलरेट किया बाइक को, तो बाइक मोशन में आया, मोशन में जब कोई व्हीकल मोशन में आया तो हम लोग भी मोशन में आ जाते हैं, लेकिन अचानक जब एक्सेलरेट किया जाता है तो हमारा लोअर पोर्शन दैट इज वेस्ट, कमर से नीचे का हिस्सा जो व्हीकल से या बाइक से डायरेक्टली टच में है, तो वो हिस्सा जो है बाइक के साथ साथ वो मोशन में चलाए, लेकिन अपर पोर्शन जो है भाई फ्री टू मूव है, इधर उधर मूव हो सकता है, आगे पीछे मूव हो सकता है, तो अपर पोर्शन जो है वो बाइक के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं। जैसे ही ये मोशन में आया, लोअर पोर्शन तो मोशन में चला गया, लेकिन इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण हमारा जो अपर बॉडी है वो चाहेगा कि भाई रुका, रुके हुए थे तो रुके रहने, तो रुके रहेंगे मतलब क्या भाई कोई आगे की ओर चल रहा है तो वो चाहेगा कि नहीं हम पीछे ही रहेंगे, रुके रहेंगे। इसलिए क्या होता है, जैसे ही बाइक आगे की ओर बढ़ता है तो हमारा अपर पोर्शन जो है, या हम बोल सकते हैं एक तरह से क्या होता है कि भाई पीछे की ओर बैंड कर जाता है। ठीक है, वी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट। क्या समझ गए इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल? यस सर। यस सर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना।
देखोगे कोई बस वगैरह में मान लो कि लगेज वगैरह या फिर बड़ा बड़ा बोरा भी हो सकता है बस वगैरह में, रूप्स में देखते हैं कि भाई लगेज वगैरह रख दिया या बड़ा बोरा वगैरह कुछ लोड वगैरह कर दिया गया, या छोटे छोटे व्हीकल्स में भी मारुति वगैरह में भी देखते हैं कि भाई ऊपर में कुछ रख देता है, लगेज वगैरह रख देता है, लेकिन अच्छा हो कि उसको रॉप से रस्सी से बांध दिया जाए। क्यों ऐसा सजेस्ट किया जाता है या क्यों ऐसा किया जाता है? सर जब व्हीकल कोई भी चलता है तो सर एक गाड़ी वाइब्रेट होने लगता है, और जिसके कारण ये जितना सर सब्सटेंस ऊपर रखा हुआ है वो हिलने लगता है और गिरने का डर रहता है। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन तो चाहेंगे सर, जब सर जब बस रेस्ट पे रहता है तब उसके साथ साथ लगेज भी रेस्ट पे रहता है, इसलिए जब जैसे बस मोशन पे आता है तब अपने टेंडेंसी के वजह से अगर हम लोग नहीं बांधेंगे तब वो गिर जाएगा या फिर आगे चला जाएगा। हाँ, किधर गिरेगा मौसम में जैसे ही एक्सेलरेट, फॉरवर्ड फॉरवर्ड सर, पीछे गिरेगा सर, पीछे की तरफ सर, पीछे की तरफ गिरेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अचानक एक्सेलरेट किया जाएगा तो पीछे की ओर गिरेगा, है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पीछे की ओर गिरेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान देना। यदि मूविंग बस में है वो लगेज, अचानक ब्रेक लगाया जाएगा तो बस मोशन में था तो लगेज भी मोशन में था, तो वह मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए क्या होगा वो किधर गिर जाएगा? सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड आगे कैसे? और साथ ही साथ यदि कोई बस ऊपर मान लो कि लगेज रख दिया, शार्प टर्निंग ले रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, अचानक शार्प टर्निंग आए तो वो क्या होगा? इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन के कारण मान लो कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है लगेज भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, उसी ओर थ्रो ऑफ हो जाएगा, बस मुड़ गया लेकिन वो लगेज क्या है वो थ्रो ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द रूट ड्यू टू इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे तीनों इनर्सिया का जो टाइप है वो अप्लाई हो रहा है। इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण बैकवर्ड डायरेक्शन में वो गिर जाएगा व्हेन इट स्टार्ट्स और एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, और मूविंग बस मान लो कि ब्रेक लगाएगा तो लगेज जो है आगे की ओर गिर जाएगा, या शार्प टर्निंग होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा लगेज थ्रो ऑफ हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों एग्जांपल यहां पर सेट हुए, ठीक है? चलिए ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स सर? कॉइन ऑन कार्ड और कार्ड ऑन ग्लास वाला। हाँ बताओ एग्जांपल दो। चलो हम वो क्वेश्चन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर बोलना क्या करते हैं। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड आप लोग देखते होंगे कि कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, सारे जितने भी कॉइंस हैं जिसको गोटी बोलते हैं, सारे कॉइंस को क्या करते हैं एक जगह पे पाइल्ड अप कर दिए, ढेर कर दिए, और जैसे ही मान लो कि स्ट्राइकर से हम जोर से झटका देके मारते तो नीचे वाला बस कॉइन क्या होता है आगे की ओर बढ़ता है, और पूरा पाइल जो है ढेर जो है वही रह जाता है। क्यों? When we apply force on card, card comes in motion, but coin maintains its tendency to remain in rest, so it falls down. बिल्कुल सही, ठीक है? कि जब स्ट्राइकर पर फोर्स लगाए तो स्ट्राइकर जाके किससे टकराया, सबसे लोएस्ट में या बॉटम में जो कॉइन है उससे टकराया, उसको मोशन में ले आया, लेकिन उतना जो पाइल मान लो कि 5 कॉइन था तो वो सारा का सारा रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहेगा, एंड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो वहीं पे रह जाएगा। इससे क्या होता है एक नीचे वाला आगे बढ़ता है और बाकी सब वहीं रह जाता है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल, ठीक है? एक एग्जांपल ये भी है, बुक में भी दिया हुआ है। क्या करते हैं एक मान लो कि एक टम्बलर है, ग्लास है, उसे क्या करते हैं एक कार्डबोर्ड रख दिए और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखते हैं और फ्लिक करते हैं, जो झटके के साथ हम मारते हैं कार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड को फ्लिक काफी झटके के साथ हम खींचते हैं, तो आप पाओगे कि यदि कार्डबोर्ड को झटके के साथ मार रहे हैं वो सीधे आगे की ओर बढ़ता है, कार्डबोर्ड आगे की ओर बढ़ जाता है मोशन में, फोर्स उस पे लगा तो वो मोशन में आ जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है, लेकिन कॉइन जो है वो ग्लास पे ही नीचे गिर जाता है।
किस कारण से? सर क्योंकि कॉइन पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, रेस्ट वर्क करता है तो वो रहेगा सर। लेकिन जब कार्ड इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते जब आगे चला जाता है तब कॉइन अपने रेस्ट वाले पोजीशन पे ही रहना चाहता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ एग्जांपल्स है बुक में देख सकते हो या आप लोग अपने खुद से भी बोल सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। देखो और कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है, सोचिए। सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक बार और बता दीजिए ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अभी बताएंगे, अभी तो बस एक एग्जांपल दिए, अभी बताएंगे। रेस्ट का कोई एग्जांपल और आ रहा है बताओ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और कोई एग्जांपल यदि ध्यान में आ रहा है तो बताइए। देखो चलो ठीक है, काफी है। और कुछ क्वेश्चन यदि इससे रिलेटेड रहता भी है तो फिर डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो। इनर्शिया ऑफ मोशन का डिस्कस करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे ध्यान देना, क्वेश्चन ये देता है कि यदि आप एक मूविंग बस में बैठे हुए हो, if you are sitting in a moving bus and you move forward, if the brakes are applied by the bus or bus driver, why? Sir, एक और बार रिपीट कर दीजिए ना। You move in the forward direction when brakes are applied on the bus when you are sitting in a moving bus. When the bus is in motion, hence we are also in motion because we are also in that bus. So the bus, when bus is stopped, we are jerked forward because our body tends to remain at it tends to remain in motion due to inertia. ठीक है, मतलब जब बस मोशन में है तो हम लोग भी मोशन में होते हैं। अचानक जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है, मान लो कि बस रुक गया तो बस के साथ साथ हम भी रुक जाते हैं। लेकिन हमारा लोअर पोर्शन, मान लो कि वेस्ट के नीचे पैर वाला हिस्सा जो है वो बस के कांटेक्ट में होता है, तो वो रेस्ट, बस रेस्ट में आया तो ये भी रेस्ट में आ गया एडजस्ट कर। लेकिन अपर पोर्शन फ्री टू मूव है, इसलिए क्या होता है अचानक जब ब्रेक लगाया जाता है तो मोशन में बॉडी था, मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये क्या होगा, मोशन के डायरेक्शन में बेंड कर जाता है। मोशन का डायरेक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए क्या होता है कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये समझ गए एग्जाम्पल? यस सर। अच्छा देखो ध्यान देना, समझना इसको। When we get off from a moving bus, it is suggested to run for a distance or for some steps. Why? क्वेश्चन को थोड़ा हम अपने ढंग से समझा देते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस में मान लो कि चढ़े हुए हो, लोकल सवारी हो। लोकल सवारी का मतलब क्या है कि भाई बस एक ही जगह पे जाके रुकेगा, बाद में धीरे धीरे एक ही पट्टी उतरता है। चलो ठीक है, धनबाद से डायरेक्ट बोकारो गया तो वहीं उतरेगा सब। लेकिन क्या होता है लोकल सवारी जब चढ़ाता है, आप ये ऑब्जर्व किए होंगे कि धनबाद से बस निकली और कहीं बैंक मोड तक के लिए भी कोई आदमी चढ़ गया या झरिया तक के लिए चढ़ गया तो वहां पे उतना देर तक तो रुकेगा नहीं, मात्र एक या दो सेकंड के लिए रुकता है। मतलब ब्रेक अप्लाई हुआ, बस रुका और तुरंत चल दिया। जैसे ही उस आदमी को हिंट दिया जाता है कि भाई उतर जाना, तुरंत उतरा और बस तुरंत निकला। और जैसे ही आदमी उतरा, उतरने के बाद जल्दी बिल्कुल वो खड़ा हो गया। जैसे ही मान लो कि इस तरह से मूविंग बस से हम उतरे और बिल्कुल हम रुक गए, खड़े हो गए,
तो गड़बड़ है, हम गिर जाएंगे। लेकिन यदि जिस डायरेक्शन में बस जा रहा है उसी डायरेक्शन में यदि चलते गए, कुछ चार पांच स्टेप चल दिए या दौड़ दिए, तो नहीं गिरेंगे। क्यों ऐसा होता है? So because the man who is moving with the high speed of the bus would tend to remain in motion. सर वो जब गिर जाएगा तब भी मोशन में ही रहेगा, तो सर वो ग्राउंड का रेजिस्टेंस की वजह से उसको चोट लग जाता है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन अधूरा हुआ। इनर्शिया ऑफ मोशन को आप ठीक लिंक किए। हाँ बोलो सर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं मोशन ही है। और डिटेल में यदि एक्सप्लेन करोगे तो करो। देखो होता क्या है, मूविंग बस में थे, बस बहुत कम समय के लिए जैसे रुकता है, मतलब क्या है कि भाई बस मोशन में था और बॉडी भी मोशन में था, तो जैसे ही उतरे जमीन पे हमारा पांव रखा गया तो हमारा जो फुट है वह डायरेक्ट कांटेक्ट में आया अर्थ के, तो पैर जो है वह स्टेशनरी रुक गया। लेकिन इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण हमारा पूरा बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसलिए क्या होता है, यदि हम तुरंत उतरने के बाद रुक गए तो पूरा बॉडी ड्यू टू इनर्सिया ऑफ मोशन मोशन में ही रहना चाहेगा और इस ओर बेंड कर जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द बस। इससे क्या होगा, हम गिर जाएंगे, बिल्कुल मुंह के बल गिरेंगे, हो सकता नाक को रगड़ा जाएंगे, क्योंकि इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण हमारा बॉडी जो है आगे की ओर झुक जाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम जमीन पे उतरे हमारा बॉडी मोशन में रहना चाहेगा और हम उसी डायरेक्शन में कुछ दूर तक क्या किए, चार पांच कदम दौड़ दिए या चल दिए, तो भाई मोशन में थे और मोशन में ही यदि कुछ देर रह दिए और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि गिरते नहीं। समझ में आया आंसर इसका? सर ये तो ट्रेन में भी होगा, तो फिर सर किसमें? ट्रेन में। हाँ हाँ हाँ, मूविंग बस बोलो ट्रेन बोलो एक ही बात है, व्हीकल बोल दिए, सब सब में चलेगा। ये सिचुएशन बस देखना है, ट्रेन में भी बिल्कुल भाई धीरे धीरे जब मान लो कि स्लो डाउन होता है तभी आदमी क्या करते हैं, उतरने लगते हैं, तो भाई उतरने रहते हैं तो जैसे उतर खड़ा नहीं होना है, कुछ दूर तक दौड़ना है, तभी क्या होगा कि आप गिरोगे नहीं। समझ में आ गया आंसर? यस सर। हाँ यस सर, चलो ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा बताना, कोई भी एक एथलीट जो लॉन्ग जंप कर रहा है, तो लॉन्ग जंप जब भी करता है, मान लो कि ये लाइन है और यहाँ पे सैंड वगैरह काफी भुरभुरा किया हुआ है, तो वह दूर से दौड़ते 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 आता है, यहां से जंप करता है, रन करते हुए क्यों आता है? यहां से भी तो जंप कर सकता है, यहीं से जंप करेगा, रन करते हुए आता है, इसका क्या बेनिफिट मिलता है उसको, ये बताओ। सर स्पीड इंक्रीज जितना होता है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं आया, कुछ हद तक आया और ठीक है, ताकि जब वो जंप करे तब वो इनर्शिया मेंटेन रहे उसका मोशन का, दूर तक जब वो दौड़ रहा है, देखोगे वो दौड़ते हुए आ रहा है और दौड़ते हुए आ रहा है, मतलब वो उसका बॉडी मोशन में, जैसे यहाँ से झटका देके या फिर ये जंप करेगा, मतलब जमीन पे धक्का देगा पैर से, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होगा, वो मोशन में ही रहना चाहेगा और वो क्या होगा, काफी दूर तक वो जंप कर पाएगा, और यदि वो चलते चलते आया और वहीं से जंप किया, तो भाई उसका बॉडी तो रेस्ट में था, मान लो कि वहीं से खड़े होके जंप किया, रेस्ट में था, टेंडेंसी होगा रेस्ट में ही रहने का, तो भाई उतना दूर तक नहीं जंप कर पाएगा, और दौड़ के जब आ रहा है तो मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेगा, जैसे यहाँ से जंप करेगा तो मोशन में ही रहने का जो टेंडेंसी होगा उस कारण से वो आगे की ओर बढ़ जाएगा और वह एक लंबा जंप ले पाए। ठीक है, समझ गए सर? जो ओलंपिक में होता है लॉन्ग जंप सर, तो उसमें सर ह्यूमन में भी सर वो वही फोर्स लगेगा सर, वही इनर्शिया लगेगा। हाँ 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 बिल्कुल, इसीलिए तो दौड़ता है। ठीक है, दौड़ के ही लॉन्ग जंप जब भी करता है तो दौड़ के करता है, इवन हाई जंप में भी वो करता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। और कोई एग्जांपल बताओ इनर्शिया ऑफ मोशन का।
सर जब बाइसिकल में पैडल लगाते हैं तो पैडल लगाना बंद कर देते हैं फिर भी वो मूव करते रहता है। हाँ बिल्कुल सही, मतलब साइकिल आप चला रहे होते हो और चलाते चलाते जब आप पैडल वगैरह इस तरह से मार रहे हो साइकिल आगे की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ देर तक हम मान लो कि इस पैडल पैडलिंग करना बंद भी कर देते हैं तो भाई जो बाइसिकल है वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। किस कारण से? उसमें बिना पैडल का भी चलने लगता है साइकिल। देखो वहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है कोई, ग्रेविटेशनल फोर्स जब पढ़ोगे ना तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स है ना, मतलब आपका और बाइसिकल का वेट नीचे की ओर जो खींच रहा है वो वेट क्या कर रहा है, उसको आगे की ओर धक्का दे रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है नीचे की ओर खींचने के लिए या पुश करने। ठीक है, फोर्स एक लग ही रहा है सर। हाँ सर, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं रहता तो बाइसिकल हमेशा चलते ही रहता। एयर बाइसिकल, देखो एयर फ्रिक्शन का तो नेग्लिजिबल है, यदि बात करें फ्रिक्शन का, एयर फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन, यदि रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन एक्ट ना करे, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल फ्रिक्शन लेस, तो एक बार पैडल मार दो भाई चलते जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक, रुकने वाला नहीं। लेकिन फ्रिक्शन के कारण एक अपोजिशनल फोर्स लग रहा है तो जिस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे धीमा होते होते। ठीक है, yes, sir. या फिर सर हम लोग जब बहुत स्पीड से बाइसाइकिल चलाते हैं और जब सडनली ब्रेक मारते हैं तो सर पीछे वाला चक्का बहुत ऊपर उठ जाता है। हाँ, तो पीछे वाला चक्का उठ जाता है कब, जब अगला ब्रेक लगा दे, क्योंकि पिछला ब्रेक मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहेगा, तो मोशन में रहना चाहेगा तो क्या हुआ, घूमता है, अभी भी घूम रहा है और घूम रहा है तो क्या होता है कि भाई जैसे ही करते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, एक तरह से झुक देते हैं आगे की, ब्रेक लगा दिए और जो ड्राइवर साइकिल चलाने वाला है साइक्लिस्ट है आगे की ओर झुक जाता है तो वह वेट हो जाता है आगे की ओर, इसलिए पिछला पोर्शन क्या होता है ऊपर की ओर उठ जाता है। समझे? यस सर। हाँ, यहाँ पे भी एक तरह से पिछला जो पोर्शन है या टायर है वो इनर्शिया ऑफ मोशन का ही इफेक्ट है। और कुछ सर, जब कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उस समय सर ब्रेक लगाने के बाद भी सर वो बहुत दूर तक सर चलता ही रहता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। या फिर सर अगर हम लोग सर फैन चलाए हैं और सर फैन बंद कर देते हैं तब भी सर फैन का पंखा घूमता ही रहता है। हाँ, कुछ देर तक वो घूमते रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बिल्कुल सही है, ये सब सारा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। और सर गैलीलोस एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, गैलीलो का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, गैलीलो का एक्सपेरिमेंट देखा है? वो डिस्कस कर लेंगे। ऐसा ये है, इंक्लाइंड प्लेन में जब हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही रिलीज करते हैं कोई एक बॉल को, वो धीरे धीरे मान लो कि इसका स्पीड बढ़ता जाता है, और यहाँ पे जब जस्ट हम रिलीज किए हैं तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, उसका जो वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको मूव करा रहा है, जैसे यहाँ तक आता है तो वो काफी अपना मैक्सिमम स्पीड गेन कर ले, और इनर्सिया ऑफ मोशन के ही कारण क्या होता है, वो आगे की ओर काफी दूर तक बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आपका होगा, बिल्कुल सही। और कोई एग्जांपल? सर हम जब भी लट्टू घुमाते हैं सर तो उसमें भी सर ये कुछ देर सर हम अगर कोई भी फोर्स अप्लाइड कर देते हैं तभी रुकने के बाद ही थोड़ा थोड़ा घूमता ही है सर। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक बार जब घुमा दिए छोटे मान लो कि व्हील किए स्ट्रिंग से लपेटने के बाद तो वो घूमने लगा, काफी देर तक घूमता है मोशन में है तो काफी देर तक मोशन मेंटेन रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, चलो सही है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
तो अभी जैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल डिस्कस किए थे कि कोई एक मूविंग बस, मूविंग बस में यदि लगेज वगैरह रखे हुए हैं ऊपर में, या छोटा वैन वगैरह भी हो ऊपर में हम लगेज रखे हैं, उसको टाई नहीं किए रस्सी वगैरह से, तो क्या होता है कि वह इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल थ्रो ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी होता है कि भाई मोशन में है, ठीक है मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन मोशन में और उसी डायरेक्शन में बना रहना चाहेगा। तो सेम डायरेक्शन को मेंटेन रखने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ही कारण क्या होता है कि कोई मूविंग बस शार्प टर्निंग लिया तो क्या है कि भाई जिस डायरेक्शन में पहले था बस, मान लो कि पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, बस इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसका लगेज जो है इसी डायरेक्शन में थ्रो ऑफ हो जाता है, ठीक है, यदि बंधा हुआ नहीं है। ये तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऐसे कुछ कुछ बुक में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन को एक ही साथ लिखा है, ठीक है। तो मोशन में ही डायरेक्शन को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ गए ये एग्जांपल और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? यस सर। ठीक है, ओके। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन आप लोग पढ़ चुके हो, याद करना। एक पत्थर को एक रस्सी से बांध के घुमा रहे, जब घूम के मान लो कि रस्सी से बांध के घुमा रहे सर्कुलर मोशन में है, जब इस जगह पे और यहीं पे हम क्या करें रस्सी स्ट्रिंग जो है वो छोड़ दें तो क्या होगा, इधर भाग टेंजेंट की डायरेक्शन, जहां से छोड़े उधर ही भाग जाए। यदि हम इस जगह पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर भाग, क्योंकि इस जगह पे जब है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट की ओर, इधर वर्टिकली अपवर्ड भी। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण क्या होगा, वो मूव कर जाएगा along the tangent, ठीक है, समझ में आया? Yes, yes sir, yes sir। यही चीज होता है बस में, मान लो कि आप सवार हो, sharp turning जब रहता है काफी तो झटका लगता है, काफी जोर का झटका लगता है, अचानक जब बस हो या फिर फोर व्हीलर वगैरह भी जो अचानक जब sharp turning बिल्कुल 90 डिग्री के साथ जब ये मूव करता है या बैंड करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे घूम रहा है, तो भाई आप बैठे हो तो इस तरह से धक्का खा जाओ, क्योंकि हमारा बॉडी जो है इनर्सी ऑफ डायरेक्शन के कारण मोशन के ही डायरेक्शन में बना रहना चाहता है, इसलिए उधर की ओर क्या होता है कि जर्क लगता है या फिर धक्का लगता है। ठीक है, समझे? यस सर। तो अभी जितना हम क्वेश्चन डिस्कस किए क्या आंसर लिख लोगे आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। याद कैसे रखेगा? हाँ, जहां तक मैक्सिमम क्वेश्चन बने आप लोग लिखना, ठीक है। इसमें अधिकतर थ्योरेटिकल पोर्शन ही था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें डिफिकल्स वगैरह रहेगा। हाँ बोलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो सर। सर एक ट्रेन बहुत फास्ट से चल रहा है और सर कोई भी आदमी सर ये खिड़की को पकड़ लिया सर बाहर जाके, तो सर जब वो खिड़की को छोड़ देता है तो वो सर बैकवर्ड क्यों, सर पीछे क्यों फेंका जाता है? आप बोल रहे हो कि बाहर से आदमी पकड़ा है, मतलब नहीं समझे, मूविंग ट्रेन है आदमी किधर है? सर बाहर में, मूविंग ट्रेन बाहर में, बाहर में मतलब क्या, प्लेटफॉर्म में नहीं ना सर? सर कोई भी ट्रेन चल रहा है सर, कोई भी आदमी सर बाहर से खिड़की से लटका है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। और सर वो छोड़ देता है जब खिड़की, तो सर बैकवर्ड क्यों गिर जाता है? छोड़ देता है तब, देखो छोड़ देता है तब नहीं, ऐसा है एक्शन रिएक्शन का मतलब है, आगे पढ़ लोगे वो।
वो पीछे यदि इसलिए फेंका रहा है कि मान लो कि लटका हुआ है, अब वो छोड़ता है ना, तो वो छोड़ता नहीं है, वो धक्का देता है। जैसे ही छोड़ दिया तो वो तो गिरेगा, पीछे क्यों गिरेगा, क्योंकि बस आगे बढ़ गया, वो वहीं पे है, ठीक है, बस आगे बढ़ या ट्रेन जो है ट्रेन आगे बढ़, या वो धक्का दिया आगे की ओर और वो पीछे तक थ्रो अप हो जाता है। ऐसे ये सिचुएशन तो इस ढंग का होता नहीं है, इस तरह का करता है कोई तो भी। और सर ट्रेन एक बहुत स्पीड से चल रहा है और सर कोई उतरा ट्रेन से, तो सर सर बैलेंस क्यों नहीं हो पाता है जब उतरने के बाद? तो वही तो बोले कि बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूविंग ट्रेन से मान लो धीरे धीरे चलता ही रह रहा है अभी ट्रेन, तो जैसे ही उतरना है क्या करोगे? बहुत फास्ट चल रहा है तब उतर, बहुत फास्ट चल रहा है और उस समय उतरोगे तो क्या होगा कि भाई उतर के भी बैलेंस हो जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि जितना स्पीड ट्रेन चल रहा है उतना ही स्पीड उतर के आपको दौड़ना पड़ेगा। अब ट्रेन का स्पीड मान लो कि 50 किलोमीटर पर आवर है, बहुत स्पीड नहीं, 50 या 40 किलोमीटर पर आवर, तो जैसे ही उतर के क्या उतना स्पीड चल पाएंगे? यही कारण है गिर जाने, क्योंकि जितना स्पीड है उतना ही स्पीड मेंटेन रहना चाहेगा बॉडी। हम मान लो कि उतर के थोड़ा सा दौड़ेगी तो बहुत धीमा होगा उसके कंपैरिजन में, स्टील क्या होंगे गिरेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। समझ में आया? Okay, yes. अच्छा चलो, इसमें ट्रेन ट्रेन का बहुत तरह का क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है बताना। एक क्वेश्चन ये पूछता भी है, एक मूविंग ट्रेन है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पहला सिचुएशन ये है कि कांस्टेंट, पहला सिचुएशन, कई सिचुएशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। एक मूविंग ट्रेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में यदि बात कर ले तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। मान लो कि एक ट्रेन है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ट्रेन में आप सवार हो, कॉइन को यदि आप उछालते हो अपने हाथ से, कॉइन को उछालेंगे तो कॉइन के आपके हाथ में ही गिरेगा कि आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा? सर नीचे गिरेगा, हाथ में ही आएगा। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेन चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, स्पीड ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो यदि आप कॉइन को उछालते हो तो कॉइन हाथ में ही गिरता है। क्वेश्चन दे देता है क्यों? क्योंकि ट्रेन मोशन में है, हम मोशन में है, कॉइन भी मोशन में, तो सब इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण हम भी मोशन में रहना चाहेंगे और कॉइन भी इनर्सिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहा है। तो भाई जब हम कॉइन को उछाल रहे हैं तो वो किधर गिरेगा? हाथ में ही गिरेगा, मतलब हवा में होने के बाद भी वो 10 मीटर पर सेकंड से वो आगे की ओर बढ़ रहा है, ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो वो भी कॉइन भी आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए हाथ में ही गिरेगा। यहां तक समझे? तब एक दूसरा कंडीशन लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन है, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है का मतलब क्या है? कब एक्सेलरेशन है? जैसे ही कॉइन को उछाले उसके बाद गाड़ी एक्सेलरेट कर दिया, मतलब ट्रेन एक्सेलरेट हो गया। अब कॉइन किधर गिरेगा, आगे या पीछे? सर आगे। सर आगे, अच्छे से सोच लो। सर कॉइन नीचे गिर रहा है लेकिन हम लोग मोशन के चलते आगे चले जाएंगे। हम लोग आगे चले जाएंगे। हम लोग आगे चल जाएंगे तो कॉइन किधर गिरेगा? सर पीछे। सर नीचे ही गिरेगा। देखो ध्यान देना, कॉइन उछाले, पहले 10 मीटर पर सेकंड था तो कॉइन का स्पीड वही रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन बस सॉरी ट्रेन का स्पीड बढ़ा तो हमारा भी स्पीड बढ़ गया, क्योंकि ट्रेन पे हम अटैच्ड है कॉन्टेक्ट में, तो हमारा स्पीड बढ़ गया, कॉइन का भी 10 मीटर पर सेकंड ही है, मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे, कॉइन किधर गिरेगा? पीछे। और यदि तीसरा केस,
यदि रिटार्ड कर दिया गया, मतलब जैसे ही कॉइन को उछाले जैसे ही हम कॉइन को उछाले, तो कॉइन को उछालने के बाद जैसे ही उछाले हमारे हाथ से जैसे ही निकला, ट्रेन के द्वारा ब्रेक लगा दिया गया, मतलब उसमें रिटार्डेशन हुआ, हमारा भी स्पीड कम हो गया ट्रेन के साथ साथ, तो अब कॉइन किधर गिरेगा, आगे या पीछे? सर आगे, सर आगे, पीछे, आगे, सर नीचे, सर आगे, सर पीछे, सर आगे, सर नीचे, क्योंकि अब हम धीमा हो गए, हम धीमा हो गए और अभी भी कॉइन ज्यादा स्पीड से आगे की ओर मूव कर रहा है 10 meter per second, तो कॉइन किधर गिरेगा, मेरे आगे, आगे, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा काफी देता है, याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो हाथ में ही गिरेगा, एक्सेलरेट हो जाए मतलब आप एक्सेलरेट हो गए पॉइंट पीछे गिरेगा, रिटार्ड हो गया ट्रेन, ठीक है, मतलब आप धीमा हो गए पॉइंट आगे हो जाएगा, मतलब पॉइंट आगे गिरेगा, ठीक है, याद रहेगा ये सब? यस सर, यस सर, चलिए ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कुछ समय में लॉ ऑफ मोशन सर खत्म हो गया। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रही, और कुछ क्वेश्चन होगा बुक वगैरह में तो देख सकते हो, एक बार देख लो आप लोग, 2 से 3 मिनट तक का ब्रेक देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन आप लोग टटो ले, कुछ सिचुएशन पूछ भी सकते हो, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा टिपिकल है, कम समय में बताएंगे नहीं दिक्कत होगा, तो आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही डिस्कस करेंगे, तो एक बार देख लो, 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, आप लोग बुक में टटो लो, ठीक है, देखिए। सर बताइए कोई क्वेश्चन यदि है। सर, अ बुलेट फायर्ड अगेंस्ट अ ग्लास विंडो पेन मेक्स अ होल इन इट एंड द ग्लास पेन इज नॉट क्रैक्ड, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन अ स्टोन स्ट्राइक्स द सेम ग्लास पेन इट गेट्स स्मैश्ड, व्हाई इज इट सो?
ठीक है, देखो देखो मान लो कि एक विंडो है ग्लास का, एक बुलेट काफी दूर काफी सामने से हम मान लो कि फायर किया, काफी ज्यादा स्पीड है, मतलब इतना ज्यादा स्पीड होगा कि जितना कांटेक्ट में आएगा, जितना पार्ट कांटेक्ट में आएगा उतना ही पार्ट को और कम समय के लिए वो इंपैक्ट डालेगा, उतना ही पार्ट को क्या करेगा, वो मोशन में है तो वो अपने साथ साथ मोशन में ले आए, बाकी पार्ट क्या है इनर्सिया और रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो भाई जितना बुलेट का रेडियस है या उसका रेडियस के बराबर का जितना सर्कल बनेगा उतना ही पार्ट को होल को खोल करके चला जाएगा। लेकिन यदि धीमा है, ठीक है धीमा है मतलब काफी दूर से फायर किए थे और आया और आके क्या हो रहा है इस तरह से टकरा रहा है, मतलब झटका जब कम सम रिएक्शन मिला वो है ना, और कोई डाउट सर? सर एक ड्राइवर को कार में सीट बेल्ट का जरूरत पड़ता है, तो सर इसमें कीवर्ड क्या है, इनर्शिया है कि मोमेंटम है कि दोनों है कैसे ध्यान देना, अभी हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे भी हम बताएंगे कि भाई टाइम ज्यादा लग रहा है वेलोसिटी को जीरो करने में, उसका भी इफेक्ट रहता है। तो बेल्ट जो है, ठीक है, बेल्ट के कारण क्या होता है कि जैसे ही अचानक ब्रेक यदि लगा दिया जाए, ठीक है, तो अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होता है कि वो जो बेल्ट होता है, ठीक है, तो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो हमारा बॉडी जो है आगे की ओर झुकता है, लेकिन काफी आगे तक वो झुकने नहीं देता, ठीक है, कि भाई सामने वाले बोनेट वगैरह वो सब चीजों से वो टकरा जाए, होता ये है कि मौसम में है तो मौसम में ही, मतलब जो बेल्ट होता है थोड़ा सा इलास्टिक होता है, कुछ दूर तक जाने देता है फिर रोकता है ना, मौसम में है मौसम में ही रहने देता है फिर रोकता है, तुरंत यदि काफी टाइट होगा तुरंत यदि उस पर रोक दिया, तुरंत रोक दिया ब्रेक लगाया तुरंत रोक दिया, तो वो जो रिब्स वगैरह या फिर जो बोल सकते हैं चेस्ट में है काफी जोर का झटका लगेगा, और झटका लगने से क्या होगा कि भाई इनर पार्ट इंटरनल पार्ट वगैरह डैमेज हो सकता है, या फिर सर हम लोग जब बहुत फास्ट कार चलाते हैं और सर कभी भी हम लोग पेड़ या किसी पोल से टकराते हैं तो सर हम लोग का माथा ये सर टकरा जाता है शीशा से। हाँ टकरा सकता है सामने, तो उससे भी रोकता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ओके सर, यस सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर।